हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे सिंह और यह है अपना चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट। अगर आप लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी करते हैं, इनमें से किसी एक की तैयारी करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आपको आईएएस और पीसीएस से रिलेटेड सभी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर इंग्लिश में भी अब हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। मैं इन सभी के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप लोगों की अगर किसी तरह के भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इन सोशल साइट पे किसी पर भी एसएमएस कर सकते हैं, अगर कोई भी डाउट होता है तो। और दोस्तों, मैं जो टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप है, इन पे मैं सभी तरह के पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मैं डालता हूँ। हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह की पीडीएफ्स डालता हूँ, तो आप लोग अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब हम बुक्स की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स की, क्योंकि जब भी हम मार्केट जाएंगे तो पूरी दुकान दोस्तों भरी रहती है, हज़ारों राइटर्स की आपको बुक मिल जाएगी यूपीएससी के लिए। तो लेकिन हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, किससे ज़्यादा फंसता है, तो मैं आपको अब बताता हूँ कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट बुक है। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले कन्फ्यूज़न आता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि ये बहुत लोगों के लिए कन्फ्यूज़न रहता है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आपके लिए कोई सी एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे नई पढ़िए चाहे पुरानी पढ़िए, सब में कंटेंट लगभग में सेम है। लेकिन हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि जो पुरानी एनसीईआरटी है वो काफ़ी अच्छी लिखी गई थी, लेकिन तब हिस्ट्री के लिए दोस्तों ये क्या रमेश सिंह, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा, ये ओल्ड ही है। ओके, तो आप ज्योग्राफी की, पॉलिटी की आप नई ले सकते हैं, और इसमें नई चीज़ें ऐड भी होंगी, जैसे पॉलिटी में हमेशा चेंज होता रहता है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें नया चेंज होता रहता है, और ज्योग्राफी की लोकेशन भी चेंज होती रहती है। तो आपको इन चीज़ों की तो नई लेनी है, लेकिन अगर हिस्ट्री की चाहें तो आप पुरानी ले सकते हैं दोस्तों। ओके, तो नई पुरानी में कन्फ्यूज़ ना होइए। अगर अगर दोस्तों आपके पास नहीं है फिर भी आप परेशान ना होइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की आपको कहाँ से कहाँ तक की दोस्तों लेनी है, तो ज्योग्राफी की आपको दोस्तों एनसीईआरटी लेनी है 6 to 12, मतलब सारी जो 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी ज्योग्राफी होंगी सारी आपको ले लेनी है। अगर आपका ज्योग्राफी थोड़ा बैकग्राउंड है तो आप एनसीईआरटी 10 से ले सकते हैं, मतलब हाई स्कूल से 12 तक की ले सकते हैं। लेकिन आपका ज्योग्राफी में एकदम बैकग्राउंड नहीं है तो आप 6 से ही पढ़ना स्टार्ट करिए दोस्तों, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आपको छोटे छोटे बट्स भी होंगे ना, वो आपके क्लियर होते जाएंगे, और अगर डाउट्स क्लियर होते जाएंगे तो आपको आगे चल के पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आएगा और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी दोस्तों। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया रखा है एनसीईआरटी की आपको किसकी 11th और 12th की लेनी है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की दोस्तों। ओके, संविधान के लिए आपको सिर्फ 11-12 की पढ़नी है, और अगर आप पढ़ना चाहें तो पॉलिटी, हम सामाजिक विज्ञान करके आती हैं तो वो नीचे की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ना चाहते तो 11th 12th में सारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो आप 11th 12th की कॉन्स्टिट्यूशन की जो एनसीईआरटी आती है वो आप ले लीजिए। और अब इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आपको 12th क्लास की एक एनसीईआरटी आती है जिसका नाम है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और इसके साथ में इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको 12th की एनसीईआरटी ये वाली पढ़नी पड़ेगी, कौन सी, ये कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और प्लस करेंट, करेंट कहाँ से आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, चलो यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं बता ही देता हूँ, न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें, तो आप इंग्लिश का अगर पढ़ना पसंद करते हैं तो आप द हिंदू पढ़ सकते हैं दोस्तों, और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दैनिक जागरण भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी दोस्तों आप कम से कम एक पेज तो इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि दोस्तों जो पेपर आएगा तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन हिंदी के कई ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें फंस जाते हैं, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है हिंदी में, बल्कि उनका इंग्लिश में ही अनुवाद कर दिया जाता है देवनागरी की लिपि में। और ऐसे ही अगर इंटरव्यू बोर्ड में गए तो अगर आप हिंदी में इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन अगर कुछ उन्होंने इंग्लिश में पूछ लिया तो आप कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं पता है क्या करूं, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश थोड़ा बहुत जानना चाहिए आपको, क्योंकि इंग्लिश क्वालिफाई भी आपको करना है, मेंस में एक पेपर होता है तो इंग्लिश भी क्वालिफाई करना है, इसलिए आपको इंग्लिश भी पढ़ते रहना है दोस्तों। और कैसे, आपको पहले आप इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर ले लीजिए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस
या कोई भी आप ले लीजिए, और उसको एक पेपर ले लीजिए और एक हफ्ते तक पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपकी इससे इंग्लिश बेहतर हो जाएगी, वोकैबुलरी आपकी बेहतर हो जाएगी दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसकी कि आपको सिक्स से टेंथ तक की जो सारी एनसीईआरटी हैं वो लेनी है साइंस की, यानी कि साइंस आपको इलेवेंथ ट्वेल्थ की नहीं लेनी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में चली जाएंगी। तो जो साइंस आएगी वो सिर्फ हाई स्कूल स्तर तक की आएगी, तो आपको साइंस सिर्फ कहाँ तक पढ़नी है, सिक्स से लेकर के टेंथ क्लास तक की एनसीईआरटी साइंस की सभी पढ़नी है। और प्लस इसमें साइंस और कहाँ से होगा, करेंट न्यूज़पेपर दोस्तों। ओके, नेक्स्ट दिया रखा है एशियंट हिस्ट्री, एक आर.एस. शर्मा, रमेश सिंह सॉरी रामशरण शर्मा की एक बुक आती है, तो एशियंट हिस्ट्री की आप ले लीजिए, ये इलेवेंथ क्लास की हैं। इसी तरह इलेवेंथ क्लास की एक आती है सतीश चंद्रा की, इसको आप ले लीजिए, और साथ में एक मॉडर्न हिस्ट्री की आती है बिपिन चंद्रा की। ओके, ये तीनों बुक्स हैं हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़नी है। और दोस्तों इसी तरह मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो मेडिवल हिस्ट्री है, इस मेडिवल हिस्ट्री को आप चाहें तो एक बार सिर्फ रिविज़न मतलब एक बार पढ़ लीजिए इससे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते ना ही प्री में ना ही मेंस में, इसलिए इसको अच्छे से आप नहीं चाहें तो नहीं पढ़ें, इसको स्किप कर दें। लेकिन एशियंट और जो मॉडर्न है इसको बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ना है। नेक्स्ट आता है जैसे इसमें एनसीईआरटी आपको पढ़नी है आर्ट एंड कल्चर की, तो पहले हिंदी में दोस्तों नहीं आती थी, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, पहले सिर्फ इंग्लिश में एनसीईआरटी आती थी इलेवेंथ क्लास की आर्ट एंड कल्चर के लिए, लेकिन अब दोनों में आती है, तो आप इलेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी ले लीजिए आर्ट एंड कल्चर के लिए। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंगानिया, वो मैंने आगे भी दोस्तों लिखी है। जैसे अब यहाँ तक तो दोस्तों बात हो गई कि सारी चीज़ें, ये सारी एनसीईआरटी दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारी एनसीईआरटी हो गई। अब हम रेपुटेटेड बुक की बात कर लेते हैं, तो इसमें कौन कौन सी बुक आती हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दोस्तों, एक तो ये हो गई सतीश चंद्रा, सॉरी बिपिन चंद्रा हो गई एक, और दूसरा स्पेक्ट्रम। दोस्तों आपके लिए पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न स्पेक्ट्रम है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे आपके पीटी में दोस्तों, तो इसको बहुत बार रिवीजन करते रहना है। और हिस्ट्री कैसे पढ़ना है दोस्तों, हिस्ट्री को आपको टाइम टू टाइम पढ़ते रहना है, रीडिंग हैबिट बनाना है, एक स्टोरी की तरह पढ़ना है, ऐसे रटना नहीं है दोस्तों हिस्ट्री को। जैसे आपने एक स्टोरी की तरह स्टार्ट किया और पढ़ते गए फिर एक बार फिनिश हो गया, फिर आपको कुछ दिनों के बाद टाइम मिला, फिर से आपने हिस्ट्री खोला, फिर आप इसको इस स्टोरी की तरह शुरू से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और बंद कर दीजिए। केवल हिस्ट्री के साथ ही ऐसा करना है कि रटना नहीं है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ना है। समझिए कि हम एक कहानी पढ़ रहे हैं, एक नॉवल पढ़ रहे हैं, वैसे हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों हिस्ट्री पर क्या है, सन के ऊपर ध्यान मत दीजिए। ओके, हिस्ट्री में जो सन होती हैं, डेट होती हैं, जैसे डेट हो गई, ईयर हो गई, ईयर्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जो नाम्स हो गए, जैसे बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको कुछ छोटे छोटे प्लेस मिलेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। बहुत सारे नाम मिलेंगे जो अनयूजुअल होंगे, उनके बारे में आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको स्टोरी की तरह पढ़ते रहेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट नेम होंगे, इम्पॉर्टेंट प्लेस होंगे, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ सोचिए कि हाँ एक मैंने स्टोरी पढ़ी है, तो हिस्ट्री को स्टोरी की तरह ही पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी दोस्तों। ओके, तो हिस्ट्री के साथ सिर्फ ऐसा ही करना है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया और स्टोरी की तरह जल्दी से पढ़ लिए एक बार। ओके, लेकिन और सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं करना है, उनके साथ अलग स्ट्रेटजी अपनानी है दोस्तों। जैसे इसमें नेक्स्ट दिया रखा है फ्रीडम स्ट्रगल दोस्तों आपको सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री में भी बहुत पार्ट आपको फ्रीडम स्ट्रगल का मिल जाएगा। ये बिपिन चंद्रा की आती है एक बुक, इसमें कुछ सेलेक्टेड लेसन ही पढ़ने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद एक आती है हिस्ट्री के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये भी बिपिन चंद्रा की आती है, इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें भी पूरी नहीं पढ़नी है दोस्तों, इसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पीटी और मेंस के लिए, इसके लिए आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं या किसी कोचिंग का नोट्स रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं दोस्तों। ओके, तो नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर हम बात करते हैं पॉलिटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इसके लिए लक्ष्मीकांत कहते हैं कि पॉलिटी के लिए रामबाण मानी जाती है। इसके अलावा करेंट में आपको मुद्दे मिलते रहेंगे,
अगर इसके बाद में अगर आप लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ लेते हैं, आप सोचते हैं कि चलो एक बार कोई और बुक हम पढ़ना चाहते हैं, तो आप डी डी वसु भी पढ़ सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, माना जाता है कि 70-80% इससे फंस जाता है अगर आपने इस पर अच्छा कॉन्सेप्ट बना लिया, अच्छे से पढ़ ली था। ओके, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक मानी जाती है और लगभग में सभी लोग लक्ष्मीकांत तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट दिया रखा है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आती है राजीव सिकरी के द्वारा लिखी गई ये बुक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट एनवायरनमेंट के लिए आप क्या पढ़ेंगे? एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों आप जैसे डीआर खुल्लर माजिद हुसैन की भी आती है, लेकिन आप किसी कोचिंग का नोट्स ले लें, और शंकर आईएएस का इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप शंकर आईएएस का जो एनवायरनमेंट की जो आता है नोट्स वो काफ़ी अच्छा है, मैंने भी उसको पढ़ा है, तो आप शंकर आईएएस का ले सकते हैं दोस्तों इंग्लिश के लिए। और हिंदी के लिए दृष्टि का ले सकते हैं, विजन का ले सकते हैं, या फिर और किसी का भी ले सकते हैं दोस्तों। अब फिजिकल ज्योग्राफी की हम बात कर लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको डीआर खुल्लर और इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो जीसी लियोंग वाली आप ले सकते हैं दोस्तों। डीआर खुल्लर काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये काफ़ी मोटी है दोस्तों, तो इसमें केवल सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। और ये फिजिकल ज्योग्राफी दोस्तों पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको कवर करना है दोस्तों। नेक्स्ट है इंडियन ज्योग्राफी, जैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ये इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन ले सकते हैं या डीआर खुल्लर भी दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एटलस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलस से आपको हिस्ट्री की भी पढ़ाई होगी, एटलस से आपको रिसोर्सेज भी पता चलेंगे और एटलस से आपको इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, आपको ज्योग्राफी की सारी नॉलेज, यानी कि एटलस आपका दोस्तों 40-50% का सिलेबस कवर कर देगा एटलस। तो एटलस पे आपको बहुत अच्छा दोस्तों कवर करके रखना है, इससे आपको बहुत कम अफोर्ट लगाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। जैसे आप कोई भी देश को याद करना है, कहीं भी कोई भी गया है, तो आपको बहुत आसानी से एटलस के थ्रू आप देख सकते हैं। एटलस किसका लेना है दोस्तों? ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस लेना है, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस आता है दोस्तों, एक स्टूडेंट एटलस भी आता है, तो आप स्कूल एटलस लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। तो ऑक्सफोर्ड का कौन सा? स्कूल एटलस लेना है दोस्तों, या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान का एक आता है, वो भी आप ले सकते हैं दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं एथिक्स के लिए। एथिक्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों? नंबर एक आपको पढ़ना है एआरसी फोर्थ रिपोर्ट। ओके, एआरसी की फोर्थ रिपोर्ट आती है, वो आपको पूरी पढ़नी है। और उसके बाद डीओपीटी की रिपोर्ट है, मतलब उन्होंने डीओपीटी वालों ने अपना रिपोर्ट जारी किया था, तो वो भी है लगभग में 150 पेज में, वो उसके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो सुब्बा राव की एक बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, या पी एन राव चौधरी की भी आती है, उनकी बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी कोचिंग नोट्स भी ले सकते हैं दोस्तों। और एथिक्स का नोट्स मेरे पास भी पड़ा है, कोचिंग का काफ़ी अच्छा है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी आप राम ओझा से पढ़ सकते हैं, और इंडियन सोसाइटी आपको बहुत जगह मिलेगी, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो वहाँ से भी आपको कुछ कुछ इसके पार्ट मिलते रहेंगे दोस्तों। ओके, नेक्स्ट दिया रखा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ आप कोचिंग नोट्स पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा है कोचिंग नोट्स, क्योंकि आप रमेश सिंह मानी जाती है, काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन रमेश सिंह से जो जिन लोगों के लिए इकोनॉमिक्स में जिनका बेस नहीं है, तो उन लोगों की बहुत कन्फ्यूजन होता है। और इसकी बुक भी बहुत रमेश सिंह की बहुत मोटी है, 700-800 पेज में है, लगभग 700 पेज हैं, तो सभी इसमें नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दोस्तों आपको करंट पे बहुत फोकस करना है। इसके अलावा आपको बजट देखना है दोस्तों, इंडिया ईयर बुक आती है, सर्वे आता है, इकोनॉमी सर्वे आता है, इन चीज़ों को देखना है दोस्तों। अब हम बात करते हैं करंट की। हमने सारी बुक्स देख ली कि ये सारी हमें बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा दोस्तों क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? करंट अफेयर में डेली न्यूज़पेपर में जैसे हमने बात की थी, आप या तो हिंदी में दैनिक जागरण और इंग्लिश में द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके, और क्या आपको योजना कुरुक्षेत्र नेसेसरी है दोस्तों? आपको पढ़ना ही पढ़ना है। योजना मैगजीन आती हैं और कुरुक्षेत्र मैगजीन आती हैं। इसके अलावा आप मैगजीन अगर पढ़ना चाहते हैं डिज़ास्टर एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, एक भूगोल आती है, भूगोल और आप आती है, एक डाउन टू अर्थ आती है, इन सारी मैगजीन को पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कोई मैगजीन पढ़ना चाहें तो किसी कोचिंग की आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, जैसे आईएएस बाबा
या बिजन आईएस की, या ड्रस्टी की, या फिर बाजीराव एंड रवि की, इनमें से किसी एक की भी आप मैगज़ीन ले सकते हैं, मंथली मैगज़ीन। लेकिन दोस्तों किसी की भी आप लीजिए, उसी कोचिंग की एक साल के लीजिए, ऐसा नहीं है एक महीने की दूसरी कोचिंग के लिए ली, नेक्स्ट महीने में दूसरी के लिए ली, तो आपके कुछ टॉपिक होंगे वो छूट जाएंगे दोस्तों। ओके, तो लीजिए, तो जिसकी भी लीजिए, विजन की लीजिए, आईएएस बाबा की लीजिए, या फिर और किसी की लीजिए, पर उसी की लीजिए पूरे साल तक की। ओके, और क्या पढ़ना है करंट अफेयर में, आपको इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल, ये गवर्नमेंट जारी करती है, इंडियन गवर्नमेंट, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना है, बजट पेश किया जाता है, आपको बजट देखना है, और इंडिया ईयरबुक हर साल पब्लिश की जाती है, तो इंडिया ईयरबुक से भी आपको देखना है, इसमें सब कुछ दिया रखा होगा, क्या क्या अभी नया ऐड हुआ है, क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो इतना ही दोस्तों है कि आपको ये सारी बुक्स और करेंट अफेयर अगर आप अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा बुक नहीं है, कम से कम बुक रखिए और रिविज़न ज़्यादा करिए, पढ़िए, रिविज़न करिए, क्वेश्चन लगाइए। अब हम बात करते हैं दोस्तों साइट्स की, क्योंकि दोस्तों साइट्स सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, कि दोस्तों आजकल हम तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इंटरनेट का यूज़ ना करें। तो मैं सबसे ज़्यादा जो मैं वेबसाइट का यूज़ करता हूँ आईएएस के लिए, तो मैं जो क्वेरा आती है ना इसका यूज़ करता हूँ, क्योंकि इस पर आप कोई भी क्वेश्चन डाउट अगर कहीं भी नहीं है, यहाँ पर आपको उसका जवाब मिलेगा, और नहीं है तो आपको हज़ारों लोग आंसर देंगे दोस्तों, और इस पर काफ़ी बेटर और सटीक आंसर दोस्तों मिलते हैं। तो आप क्वेरा अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और इसके अलावा हम मैं बता देता हूँ जो काफ़ी अच्छी साइटें हैं, तो इस तरफ जो मैंने लिखी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यही मैं यूज़ करता हूँ, जैसे PIB काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकारी साइट है। आप NCERT कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, NCERT.NIC.IN पर जाकर के सारी NCERT PDF के रूप में फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों IAS बाबा काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, विजन IAS बहुत अच्छी वेबसाइट है, इनसाइट इंडिया, मैं भी इसको बहुत यूज़ करता हूँ, इनसाइट इंडिया को काफ़ी अच्छी है, और मैं IAS एग्ज़ाम पोर्टल है इसको भी बहुत यूज़ करता हूँ। मैं तीन साइटें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जो हैं एग्ज़ाम पोर्टल, क्वेरा और इनसाइट इंडिया। तो ये जो ये वाली वेबसाइट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप यूज़ करिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए कि मुझे बहुत सारी वेबसाइट जाननी है, तो ये सारी वेबसाइट हैं, इसके अलावा भी हज़ारों वेबसाइट मिलेगी, लेकिन ये सारी वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इसके अलावा मुरनाल, तो अब मुरनाल जी हैं जो अब अनअकैडमी में मर्ज हो गए, मतलब मिल गए हैं, तो अब मुरनाल पर भी तो ज़्यादा नया कंटेंट नहीं मिलेगा, पुराना कंटेंट मिलेगा, लेकिन अब जो अनअकैडमी है ये काफ़ी उठ रही है, इस पर आप जा कर के देख सकते हैं। ओके, और जो जागरण दोस्त है इस पर बहुत ज़्यादा आपको नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों जागरण दोस्त पे, और जितनी भी जो क्या कहते हैं कुछ भी आता है आंसर की आता है, तो इस पर आंसर की सब कुछ आपको मिलेगा जागरण दोस्त पर, और ये काफ़ी अपडेट साइट रहती है जागरण दोस्त, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो इतनी सारी वेबसाइट है, मैं इसके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप एक बुक पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, और ये बुक्स हैं इन बुक्स का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और बुक्स और इनके सारे जो मैं जो लिस्ट हैं वो ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों जुड़ सकते हैं।